आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर घनश्याम पांगती। नमस्कार, कोरोना जागरूकता श्रृंखला, इसके अंतर्गत हम आपको बताते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान स्थिति और चर्चा करते हैं, सवालों का जवाब देते हैं और हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पांगते। डॉक्टर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू नवीन जी। हमारी फोन कॉल्स खुली हुई हैं, स्टूडियो की फोन कॉल्स का नंबर है 1800-115767, ये नंबर टोल फ्री है और आप देश के किसी भी कोने से हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक नंबर और है जिस पर आप फोन कर सकते हैं, वो है 2331-4444। यहां पर फोन करके आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर पांगते, आखिरकार टीका मिल ही गया, नए साल में भारत को ये बहुत ही एक अच्छा तोहफा मिला, या यूं कहें कि पूरे विश्व को एक बहुत अच्छा तोहफा मिला है। अब जो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि किस तरह से टीका लगेगा, किस तरह से टीका लगाना है, उसका भी पूर्वाभ्यास हो चुका है और अब वो क्षण आ गया है जब हम इस बीमारी से निजात पाने की कोशिश में जो लगे हुए थे वो पूरी होने वाली है। अब हमें क्या एटिकेट बरतने होंगे? जी हाँ नवीन जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो ये टीका जो वैक्सीन है हमारी हमारी गवर्नमेंट ने एज वेल एज हमारे जो साइंटिस्ट ने इन्होंने इसे अप्रूव कर दिया, नए साल में बिल्कुल एक गिफ्ट की तरह है। और अच्छी बात यह है कि पिछले दो दिन में जनवरी 1 में एक वैक्सीन अप्रूव हुई थी जो कि सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड की थी, और 2 जनवरी को दूसरी वैक्सीन भी अप्रूव हो चुकी है जो कि हमारी पूरी तरह भारतीय मूल की है। तो अब ये वैक्सीन आ गई है और अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से DCGI या ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का एक अप्रूवल और रहता है और वो भी शायद 2-4 दिनों में आ जाएगा और नेक्स्ट वीक से हम लोग शायद ये वैक्सीन लगाना शुरू कर दें। और लंबी प्रक्रिया रहेगी, आपने बताया कि ट्रायल्स रन पहले से रेडी हो चुके हैं, ने लगभग 30,000 सेंटर्स अप्रूव कर दिए हैं जहां से वैक्सीन लगेगी। बट हमें बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन 2 वैक्सीन लगेगी 1 महीने के अंतर में, तो हमें जो सारे प्रिकॉशन हैं जो पिछले 1 साल से हम इतनी मेहनत से कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी, अपने हैंड हाइजीन को कंट्रोल में रखना, एज वेल एज सोशल डिस्टेंसिंग और बिना बात के हम भीड़ न करें और भीड़ वाली जगह में न जाएं, अगर हम ये 2-4 महीने और अच्छी तरह करें तो हम इस वैक्सीन का पूरा उपयोग कर सकते हैं और ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो फिर वैक्सीन का उतना उपयोग नहीं रहेगा। डॉक्टर पांगते, केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की जो विशेषज्ञ समिति है उसने कोविड टीके के आपातकालीन इस्तेमाल को भी मंजूरी देने की सिफारिश की है। आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि ये आपातकालीन इस्तेमाल क्या होता है। बिल्कुल, ये जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप एक बनाया गया था कोविड वैक्सीन के लिए, उन्होंने इसे अप्रूव किया है क्योंकि एक पैंडेमिक है। नॉर्मली वैक्सीन को बनने में सालों लग जाते हैं, पहले तो ये 8 से 10 साल लग जाते थे, इस बार देखा गया कि 6 महीने से लगभग 1 साल के अंतर में काफी सारी वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, ये इन्फेक्शन बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। अगर आप अमेरिका को देखें तो वहां अब तक 2 करोड़ से ऊपर इन्फेक्शन हो चुके हैं जबकि इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर इन्फेक्शन हो चुके हैं। तो अगर हमने इसको टाइम पे इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया और अगर हम वेट करते रहे तो हो सकता है कि तब तक देर हो जाए। तो ये इमरजेंसी अप्रूवल है, इसमें अभी तक का जो डाटा है उसको साइंटिस्टों ने पूरी तरह से चेक किया है और इस डाटा को देखते हुए रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो, हम नॉर्मली कोई भी मेडिसिन भी होती है, दवाई भी होती है, हम जब भी किसी को दवाई देते हैं हम बोलते हैं इसका देखो बेनिफिट ज्यादा है रिस्क कम है, तो हमें ये लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिमिलरली ये इमरजेंसी अप्रूवल है, अभी तक का जो 9 से 10 महीने का जो ये वैक्सीन का ट्रायल्स के रिजल्ट हैं उसमें बेनिफिट ज्यादा देखे जा रहे हैं, ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन प्रिवेंट कर रहा है और बहुत कम लोगों के कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं जो कि फेटल नहीं है या जानलेवा नहीं है। जी, उसको देखते हुए जो एजेंसीज हैं वो कहते हैं कि इस डाटा को देखते हुए हम इसको इमरजेंसी में अप्रूव कर सकते हैं और इसको हम पूरी निगरानी में रखेंगे अगले 6 महीने तक, 9 महीने तक, साल भर तक कि इसकी कितनी इफेक्टिवनेस रही और कितना उपयोगी रहा। तो इसको इमरजेंसी अप्रूवल कहा गया है जिसमें कि बेनिफिट अभी भी रिस्क से ज्यादा है जबकि हमारे पास डाटा बहुत सालों का नहीं है, सिर्फ महीनों का है। जी डॉक्टर, कोरोना वायरस का जो दूसरा स्ट्रेन है क्या उस पर भी ये वैक्सीन प्रभावी होंगी?
अभी तक के हमारे साइंटिस्टों ने बोला है कि ये जो वैक्सीन है ये थोड़ा सा एंटीजेनिक चेंज आया है इसमें वायरस में पिछले कुछ टाइम में देखा गया है, बट ये कॉमन भी है। अगर आप देखें इसी तरह के जो चेंजेस है कुछ नाइजीरिया में भी कह रहे हैं पाया गया है, कुछ हमें ये स्ट्रेन है जो इंग्लैंड वाला वो भी थोड़ा चेंज है, बट अभी तक के साइंटिस्टों के अनुमान है कि ये जो स्ट्रेन है इसको भी ये जो वैक्सीन है ये कवर करेगी। तो अभी कोई चिंता का विषय नहीं है, और क्योंकि बहुत लंबी चेन है जो जिससे कि ये वैक्सीन बनी हुई है, तो अभी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन उसको कवर कर लेगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो वायरस होता है अपने आप ही म्यूटेट करता है और उसके साथ नए वायरस भी बनते जाते हैं, कोरोना का जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो क्या इनके लक्षणों को पकड़ लेता है, क्या उससे भी जांच पॉसिबल है क्या? बिल्कुल, आरटीपीसीआर न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है जो कि इस समय गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे बेस्ट टेस्ट है इस वायरस के डिटेक्शन के लिए। तो इसमें कुछ डिफरेंट जीन है जिसमें कि डीएनए मटेरियल या आरएनए मटेरियल कहे या न्यूक्लिक एसिड, उसके कुछ कुछ जीन्स को वो लेके उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो इस समय जो म्यूटेट हुआ है उसको भी आराम से, क्योंकि काफी सारे सीक्वेंसेस हैं, तो आरटीपीसीआर अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड है और अभी भी सबसे बेस्ट टेस्ट है इसको डिटेक्ट करने में। इस म्यूटेशन से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि डिटेक्शन में कोई प्रॉब्लम आए। डॉक्टर पांगटे, कुछ वक्त बाद कोरोना वायरस की बहुत सी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी, हम कैसे ये जान पाएंगे कि हमारे लिए ये वैक्सीन सुरक्षित है या वो वैक्सीन सुरक्षित है, कैसे पता चलेगा हमें? ये मेरे ख्याल से वैसे तो साइंटिस्ट लोग पूरे इस पे 24 घंटे लगे हुए हैं, बट इस समय ये देखा जा रहा है कि पहले हम जो साइंस आता था पब्लिक पे वो पहले स्क्रीन होके आता था, पहले जब कोई नया ट्रायल करता था कोई वैक्सीन करता था तो उसके रिजल्ट्स किसी साइंटिफिक मैगजीन में पब्लिश होते थे, फिर उसको गवर्नमेंट या कोई एजेंसी उसको नोट करती थी या इंडस्ट्री नोट करती थी, फिर उसकी वैक्सीन को पब्लिक किया जाता था। इस समय ऐसा है कि लगभग उसी टाइम पे जैसे ही कोई रिजल्ट्स आते हैं इवन कंपनियां या फिर गवर्नमेंट उसको न्यूज़पेपर में उसी समय ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आ रही है और वो सबको पता चल रहा है। जितना वैक्सीन के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ लगभग उसके बराबर काफी पब्लिक को भी पता है कि ये वैक्सीन आ गई है या कल रिलीज हो गई है, कल अप्रूव हो गई है। तो ये एक अच्छी बात है कि मीडिया से हमें पूरा इन्फॉर्मेशन है कि इसके क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव चीज है। ऑल्दो कभी कभी इसमें एक पैनिक का माहौल भी आ जाता है कि किसी को अगर एक साइड इफेक्ट भी आए और वो ट्रायल में पार्टिसिपेशन कर रहा है और ऐसा हो सकता है वैक्सीन नहीं, ये कोई ना कोई बीमारी तो किसी को कभी भी हो सकती है जी। तो कई बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि क्या इस वैक्सीन से तो नहीं हुआ वो जो मेजर साइड इफेक्ट हुआ है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज में आ जाती है और लोगों को एक घबराहट आ जाती है कि क्या हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बट अभी तक के हजारों लाखों में वैक्सीन लग चुकी है, डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन, और ज्यादातर में 90 से 95% से 70% ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। साइंटिस्टों के अगर माने तो 60% से ऊपर जिसमें भी वैक्सीन में रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं और वो अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो 70-90% आ रहे हैं तो सारे ही अच्छी वैक्सीन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हमें चिंता करने की कोई विषय नहीं है कि उस वैक्सीन को लें या इसको लें। सब गवर्नमेंट को अभी देखो इतनी सारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड की, उसको वैक्सीन को कवर करना बहुत बड़ा इशू है, तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वैक्सीन अप्रूव हो, डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल हो, तो जिस जगह पे जो अवेलेबल है उसको उस पर संतोष भी करना चाहिए और वो इफेक्टिव है, ये मैं आपको पूरी तरह से ये करना चाहूंगा कि इसमें टेंशन ना लें। तो हमारे यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो करार किया गया है उसमें ये कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन और जहां तक है कोवैक्सीन स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें फाइजर की वैक्सीन या इसके लिए करने की जरूरत नहीं है। मे बी वो आएगी अगले 1-2 महीने में, मे बी मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हमें अपने को इन्फेक्शन से बचाना है, हमें अपने मास्क को अपने साथ रखना है अभी भी हर समय, और भीड़ वाली जगह में बिल्कुल अवॉइड करना है। कोरोना की स्थिति पर अगर हम चर्चा करें तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 494 नए मरीजों का पता चला है और इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या है वो 6,26,445 से अधिक हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने कहा है कि राज्य के लोगों के लिए कोविड 19 का टीका मकर संक्रांति के आसपास उपलब्ध हो जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को ये जानकारी देते हुए बताया कि केवल दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को मुफ्त लगाया जाएगा। इस बीच हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से रोशन, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
हेलो हेलो, कार्यक्रम में स्वागत है रोशन जी, आपका क्या सवाल है? जी डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार रोशन जी, बताइए। मेरा सवाल ये है कि ये जो वैक्सीन निकाला गया है तो ये कोरोना वायरस के लिए कितना हद तक कामयाब होगा, हमको ये चीज भी जानना है। रोशन जी, ऐसा है कि जैसे कि हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, ये वैक्सीन 70-90% तक इफेक्टिव है ज्यादातर वैक्सीने, तो और इसको दो डोज लगनी है, तो सिंगल डोज में उतना इफेक्टिव नहीं है, तो लगभग एक महीने में जिसको भी वैक्सीन लगेगी तो दो लगेगी। लेकिन क्योंकि हम अभी 100% नहीं कर रहे हैं, तो 70-90% जब होता है तो आपको ये जो प्रिकॉशंस है वो लेने पड़ेंगे। आपको मास्क भी पहनना है, भीड़ वाली जगह में अवॉइड करना है, और धीरे धीरे जब ये वैक्सीन काफी लोगों को लगभग 40-50% ऑफ जनसंख्या को लग जाएगी, और कुछ प्रतिशत को जैसे इन्फेक्शन हो गया है, कुछ को सिम्प्टोमेटिक हुआ है, तो इस तरीके से एक हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगले 8-9 महीने में जब वैक्सीन कुछ इन्फेक्शन कुछ सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन का एक ग्रुप बन जाएगा तो ये इन्फेक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस जब तक ये इन्फेक्शन पूरी तरह कंट्रोल ना हो जाए तो आपको प्रिकॉशन लेना है, और 70-90% ये इफेक्टिव रहेगी, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी। इस बीच औरंगाबाद से दीपक अपने सवाल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल नमस्कार है आपका? दीपक जी बताइए। सर मेरा ये सवाल है कि अभी कोरोना वैक्सीन तो आ गई है सर अभी, लेकिन फिर से अपने देश में लॉकडाउन लग सकता है क्या, और अगर ज्यादा बीमार पाए गए तो? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन आ गई है, इसके बाद भी क्या पहले वाली स्थिति आ सकती है क्या? दीपक जी, बहुत ही कठिन सवाल है, बट जहां तक लग रहा है गवर्नमेंट की, और जो आप पब्लिक में भी देख रहे हैं, आप औरंगाबाद रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो आप देख रहे हैं कि अभी कोई लॉकडाउन ऐसा है नहीं, कुछ जगह पे कंटेनमेंट जोन है, बाकी पूरा मार्केट फ्री है, सभी लोग घूम रहे हैं, ऑल्दो मास्क के साथ घूम रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं कि ज्यादा भीड़ वाली जगह में न जाएं, बट पूरी तरह फ्री है, कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई स्टेट में एक दूसरे में जाने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। तो जहां तक देखा जा रहा है कि इस समय, जैसे आज अभी अभी नवीन जी ने इन्फॉर्मेशन दी कि सिर्फ 494 केसेज आए हैं आज पॉजिटिव दिल्ली में, दिल्ली की जनसंख्या लगभग 1.8 करोड़ या लगभग 2 करोड़ है, अगर उसमें सिर्फ 494 केसेज आए हैं जिसमें कि 14 की डेथ हुई है, तो ये बहुत ही कम केसेज हैं। तो अगर दिल्ली जैसा शहर जो कि पूरी तरह इतने घनत्व वाला क्षेत्र है उसमें अगर इन्फेक्शन और इतने कम रोगी मिल रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि ये इस तरह का दोबारा से लॉकडाउन आए। जबकि बड़ी दुख की बात है कि जो हमारा यूरोप है, इंग्लैंड है, बाकी के यूरोपियन कंट्रीज है, काफी जगह इवन यूएसए में लॉकडाउन चल रहा है, मे बी वेदर का, वहां की इम्यूनिटी का थोड़ा सा उसमें असर होगा, और इसमें कहना बड़ा मुश्किल, बट उधर लॉकडाउन चल रहा है, बट जहां तक जिस तरह से वैक्सीन भी आ गई है, भारत में लॉकडाउन के चांसेस बहुत कम है इस समय। जी, महेश शर्मा बड़ौत से अपने सवाल के साथ। महेश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार, क्या सवाल है जी, बताइए। वैक्सीन आने से जी हम जो है बेफिक्र हो रहे हैं, हमको ये समझाना है कि अभी कोरोना बहुत खतरनाक है। डॉक्टर साहब, इनका सुझाव है कि वैक्सीन आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से बेखबर हो जाएं, हमें अभी भी उतनी ही एहतियात बरतने हैं। बिल्कुल नवीन जी, आपने बिल्कुल उपयुक्त बात कही है, यही बात नवीन जी और मैं भी बार बार कह रहे हैं कि इवन जिनको वैक्सीन लग गई है उनको भी ये सारे प्रिकॉशन अभी लेने पड़ेंगे, जब तक एक हर्ड इम्यूनिटी वर्ड है या पूरे हमारे समाज में 60-70% लोगों को इम्यूनिटी ना बन जाए जी। तो हमें सारे प्रिकॉशन अभी लेने हैं और हमें बिल्कुल ढील नहीं बरतनी है, और ये भी देखने की बात है कि अभी हम लोग लगभग 30 करोड़ से 35 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे, वो भी 6 महीनों में, क्योंकि सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, हमें डिस्टेंस का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा 45 मिनट उनको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि एक वैक्सीन सेंटर में सिर्फ 100 से 150 वैक्सीन ही लग पाए एक टाइम में, और सिर्फ 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में पहली वैक्सीन, जबकि 2 वैक्सीन लगेगी, उसमें हमें 6 महीने से 8 महीने लग जाएं। तो आप सोचिए, 6 महीने में आप 30 करोड़ लगा रहे हैं, आपकी जनसंख्या लगभग इस समय भारत की 130 से 135 करोड़ है, तो काफी लंबा समय है, अभी काफी लंबा स्ट्रगल रहता है, तो बेफिक्री बिल्कुल नहीं करनी है और बिल्कुल भी गलत कदम नहीं उठाना है, पूरी प्रिकॉशन से हमें 6 महीने साल भर और मेहनत करनी है।
इस समय आप सुन रहे हैं कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ घनश्याम पांगते। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800115767 पर। इसके अलावा आप 2331444444 पर भी डायल कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता है तो 011 लगाना ना भूलें। इस बीच मध्य प्रदेश के सागर से उमा शंकर अपने सवाल के साथ। उमा जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरे दो सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है सर कि जो वैक्सीन बन गई है वो पब्लिक के लिए कब तक जाएगी, इसका टाइमिंग क्या है? और एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि नया जो कोरोना आया है उसमें किस उम्र के लोगों को ज्यादा दिक्कत में, बच्चों को है कि वृद्ध को है कि जवानों को है ज्यादा दिक्कत? डॉक्टर साहब, वैक्सीन कब तक अवेलेबल हो जाएगा और दूसरा जो नया कोरोना का स्ट्रेन है वो किसको ज्यादा प्रभावित करेगा, बच्चों को, बड़ों को या वयस्कों को? बिल्कुल, ये जो वैक्सीन अभी आ रही है, सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को मिलेगी। इस समय भारत सरकार ने जो करार किया है, लगभग 30 करोड़ लोगों को पहले वैक्सीन देने का प्लान है, जिसमें कि 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, जिसमें कि डॉक्टर्स, नर्सेज जो कि आपके कोरोना का इलाज कर रहे हैं। उसके बाद लगभग 2-3 करोड़ लोग वो लोग हैं जो कि कोरोना वॉरियर की तरह पब्लिक को डील कर रहे हैं, जैसे पुलिस वाले हो गए या फिर कंटेनमेंट जोन का जो पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इनको शायद दूसरे ग्रुप रहेगा। और तीसरा, 50 साल से उम्र जिनकी ज्यादा है या जिनको फेफड़े हार्ट की बीमारी है, इन लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनको की सबसे सिवियर टाइप ऑफ कोरोना होता है, जिनको की ज्यादा अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है या ऑक्सीजन की जिनको परेशानी हो जाती है। तो एम्स ग्रुप को देने की वैक्सीन की सरकार ने पहली योजना बनाई है और इस वैक्सीन को देने में लगभग, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये वैक्सीन एक सेंटर में 100 से 150 लोगों को लगेगी पहले चक्र में, एक दिन में, तो इसमें टाइम लगेगा। तो 6-8 महीने में तो सरकार लगभग 30-35 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन कर पाएगी। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर आप देखें तो 130 करोड़ अगर हम कहते तो लगभग ये 15-20% ही पॉपुलेशन को कवर करेगा, तो बाकी लोगों को वेट करना पड़ेगा पब्लिक को। बट ऐसा हो सकता है कि और वैक्सीन भी अप्रूव हो जाए और गवर्नमेंट जैसे कि प्राइवेट वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाए, कुछ फाइजर कंपनी है इन सब की, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं शायद 6 महीने बाद वो डायरेक्ट भी खरीद सकते हो। और ये सब समय बताएगा, ये सब अभी सिर्फ सोचा जा रहा है। बट पहले जो 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का है वो पूरा प्लान रेडी हो चुका है और वो एनरोल हो जाएगा। हमें देश के हर कोने से फोन आ रखे हैं, आइए अब जयपुर चलते हैं, वहां से रामूल यादव हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार रामूल जी। जय सियाराम डॉक्टर साहब। जय सियाराम रामू जी, बताइए। जय सियाराम है, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, ये कोरोना का जो ये आया है, ये जो आप टीका जो लगाएंगे तो हमारे कोई दूसरी बीमारी है उसमें भी ये फायदा करेगा या नहीं करेगा, या हमको लगेगा या नहीं लगेगा? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि इस जो टीका है इसका स्पिन ऑफ बेनिफिट क्या होगा, कोरोना तो ठीक करेगा ही करेगा, इसके अलावा और कहां तक ये कारगर होगा? रामू जी, अभी तक जो डाटा आया है, जितना की साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ कोरोना को ही कवर करेगा और इन्फेक्शन को कवर नहीं करेगा, तो इससे और कोई बीमारी कम हो जाएगी ये बिल्कुल भी कहना उपयुक्त नहीं होगा। और ये जैसे कि हमने बताया कि 50 साल से ऊपर जिनकी उम्र है उनको सबसे पहले मिलेगा, तो अगर आपकी उम्र उससे कम है तो आपको अभी ये वैक्सीन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और बट और कोई इलाज इससे हो पाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर पांगते कह रहे हैं कि वैक्सीन की 2 डोज लगेगी, क्या इनकी कोई निश्चित समय सीमा होगी? अगर 1 डोज के बाद दूसरी डोज उस सीमा के भीतर, उस समय सीमा के भीतर नहीं लगती है तो क्या मरीज को फिर से वही पहली डोज दी जाएगी और फिर से वही प्रक्रिया होगी? नवीन जी, बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन है। तो जहां ये वैक्सीन देखी जा रही है, एक वैक्सीन पहले प्राइमिंग करती है, उसके बाद दूसरी वैक्सीन जब लगती है उससे अच्छा इम्यूनिटी बनती है, अच्छा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है। तो जो अभी तक के जो साइंटिफिक नॉलेज है उसके हिसाब से लगभग 1 महीने बाद जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लगता है। तो जल्दी से जल्दी 1 महीने में लगा सकते हैं, बट अप टू लगभग 6 महीने तक आप लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जिसने एग्जैक्ट 1 महीने में वैक्सीन का सेकेंड डोज लेना है तो 1 महीने बाद आप लगवा सकते हैं, वो 1.5 महीना हो सकता है, 2 महीने हो सकता है, बट जहां तक है 6 महीने से पहले वैक्सीन लग जाए तो वो बेहतर रहेगी।
और एक जिसको सिंगल डोज भी मिल गया उसमें भी जहां तक देखा जा रहा है 50-60% तो उससे भी इम्यूनिटी बन जाती है, तो सिंगल भी काफी इफेक्टिव रहेगी और सेकेंड डोज में वो पूरा ही कोर्स पूरा हो जाएगा। तो एक महीना से डेढ़ महीना बेटर टाइम रहेगा, बट लगभग 6 महीने तक दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगने के बाद क्या हमें एंटीबॉडीज टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी ये जानने के लिए कि एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं? नहीं है, और क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा, 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन, दो दो डोज लगाना, आप सोचिए 60 करोड़ वैक्सीन आएगी। तो अभी तक क्योंकि ट्रायल्स के रिजल्ट हैं वो साइंटिफिक तरीके से कुछ रैंडम सैम्पलिंग शायद की जाएगी कि एंटीबॉडीज भी चेक होंगी, बट सभी को एंटीबॉडीज टेस्ट कराने की अभी कोई हिदायत नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो रूटीन टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। बट सबका डाटा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है इस समय, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप वर्ल्ड का देखें बहुत सारी कंट्रीज में डाटा कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, बट हमारे देश में सिंगल जितने भी टेस्ट अभी तक आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं, जितने भी सीबीएनआर टेस्ट हुए हैं, इवन जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं उसका पूरा डाटा कलेक्ट होता है। इसी तरह इसी वैक्सीनेशन का डाटा कलेक्ट करने का प्लान है, और इन सब में अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो वो बिल्कुल टाइम पे पता चल जाएगा और उस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी पता चल जाएगी। तो ये सब बहुत अच्छा, एक आईटी डिपार्टमेंट जो हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये उसके ऊपर क्लोज वो रखेगा, निगरानी रखेगा, और हमें डाटा हर एक दो महीने में मिलता रहेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है, कितने लोगों को लग गई और एंटीबॉडीज कितनों में बन रही है वो भी चेक होगा, बट वो ट्रायल बेसिस पे होगा, रूटीन नहीं होगा। आइए अब हिसार चलते हैं जहां से राजेंद्र अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है? जी मेरा नवीन जी ये सवाल है कि काफी कॉल भी आपके पास फोन करते हैं और मैं भी सुनता रहता हूँ, जो हलाकोल के बारे में जो मतलब लोगों ने भ्रम पाल रखा है इसके बारे में जाने, दवा दवा होती है जो शराब शराब होती है, इसके बारे में डॉक्टर साहब अपना जितना है जागरूक करे तो इतना अच्छा होगा। नमस्कार। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि दवा के बारे में जितना हो सके उतना जागरूक किया जाना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से अब इस समय आप एक फोन भी करते हैं तो कोरोना के बारे में इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट दे रही है, उससे पहले आवाज आती है कि कोरोना में आप अगर आपको इश्यूज हैं तो डॉक्टर को आप इस नंबर में कांटेक्ट करें या गवर्नमेंट को इसको करें। तो मेरे ख्याल से इस समय बहुत अच्छा वो पूरा गवर्नमेंट ने पूरा इंतजाम किया हुआ है, बट जो दवाइयां हैं वो डॉक्टर ही दे तो बेहतर है, ऐसा नहीं कि सबको फोन पे या अनाउंसमेंट करे और सब घर में इलाज कर लें। बट अभी भी बिल्कुल हिदायत दी जाती है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं है, अगर आपको खाना खाने में या कोई अपने डेली एक्टिविटीज में तकलीफ नहीं है, बहुत तेज बुखार नहीं है जिससे कि आपको डेली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो, और अगर हो सके तो ऑक्सीजन चेक कराने के लिए आप अस्पताल आ सकते हैं, अगर आपको ऑक्सीजन जो SpO2 कहते हैं हम सेचुरेशन 95 से ऊपर है तो आप होम आइसोलेशन बिल्कुल ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई व्यक्ति है जो आपका ख्याल रख सके परिवार का। तो ये सारी हिदायतें तो दी गई है, बट उसके बाद अगर कोई किसी का ऑक्सीजन कम होता है, किसी को ज्यादा तकलीफ होती है, तो उसका इलाज दवाइयां मेरे ख्याल से डॉक्टर ही दे और अस्पताल में ही दे तो वो सबसे बेहतर रहेगा। हम अपने सुनने वालों को बताते चलें कि देश में कोविड से जो स्वस्थ होने की दर है वो बढ़कर 96.12% हो चुकी है। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ संतोष अपने सवाल के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है, जैसे एलर्जी होती है धूल धुएं से, ठंडा पानी गर्म से जी, और कुछ दवाइयां रिएक्शन होती है, सर उनके लिए कारगर है क्या वैक्सीन? जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, अगर किसी को किसी भी तरह की कोई एलर्जी है तो क्या कोरोना का जो टीका है वो कामयाब है? अभी तक देखिए आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एलर्जी तो ठंड लगने से जैसे हो जाती है, गला खराब हो जाता है, तो वैसे तो वो भी किसी कई बार वायरस से ही होता है, बट वो दूसरा वायरस होता है, राइनो वायरस या एडिनो वायरस। ये जो वैक्सीन बनेगी वो बिल्कुल एक कोरोना वायरस के ऊपर ही एक्ट करेगी, तो ये और किसी सर्दी जुकाम को कम नहीं करेगी। ये कोरोना वायरस थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं या गले के इन्फेक्शन होते हैं, जो बाकी के इन्फेक्शन होते हैं उनमें रनिंग नोज, नाक बहना, नाक बंद हो जाना और सूखी खांसी ज्यादा से ज्यादा इतनी ही तकलीफ होती है, थोड़ी थकान हो जाती है। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तेज बुखार आता है, बहुत ही तेज,
और कुछ लोगों को जैसे टेस्ट सेंसेशन चली जाती है, कुछ को सूंघने की शक्ति चली जाती है, कुछ लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है जो कि रूटीनली नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा अलग वायरस है और इसकी वैक्सीन सिर्फ इन्हीं बीमारी के सिम्टम्स को ठीक करेगी, बाकी वायरस में बिल्कुल भी जहां तक असर नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, बट मेरे ख्याल से अभी हमें उस वैक्सीन से हम और कितने फायदे होंगे वो देखने की जरूरत नहीं। हमें कोरोना वायरस ही अगर वो ठीक कर ले तो वही बेहतर रहेगा और वही उसी के लिए बनाई गई है। जी, राजस्थान के शब्बीर अहमद का सवाल सुनते हैं। शब्बीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी सर। जी, क्या सवाल है आपका? जी बताइए। सर, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि ये जो कोरोना वैक्सीन लगेगी ये बिल्कुल फ्री है या फिर इसके डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये फ्री रहेगी या इसका भी कोई चार्ज होगा। हालांकि हम अपने कार्यक्रम में बता चुके हैं कि पूरे देश में इस समय जो कोरोना टीका है वो निःशुल्क लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को ये जानकारी भी दी है कि केवल दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में कोविड का टीका सभी को मुफ्त में लगाया जाएगा। बिल्कुल नवीन जी, अभी जैसे कि हम लोग इतने आधे घंटे से डिस्कस कर रहे थे कि कोविड की वैक्सीन पहले 30 करोड़ लोगों को लग रही है, वो तो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद भी जहां तक जैसे कि अभी केंद्र सरकार और आपने बोला कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोल दिया है कि फ्री वैक्सीन मिलेगी, तो जहां तक ये वैक्सीन फ्री मिलेगी बट क्योंकि कुछ टाइम लगेगा और ऐसा हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, ये मेरी प्रतिक्रिया रहेगी कि 6 महीने 9 महीने बाद अगर जैसे कुछ वैक्सीन खरीद के भी ले सकते हैं, जो लोग खरीद भी सकते हैं, क्योंकि देखो हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, सबको अगर हम वैक्सीन देने के लिए करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा भी होगा, तो गवर्नमेंट करेगी वो सारा खर्चा, ये बिल्कुल एग्रीड बात है, बट उस पर टाइम लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि 6 महीने बाद 9 महीने बाद कुछ वैक्सीन अप्रूव हो जाए जो कि मार्केट में अवेलेबल है, अगर कोई खरीद के लगाना चाहता है तो वो लगा सकता होगा, बट गवर्नमेंट सभी जिनको कि जो अफोर्डेबल नहीं है, जो खरीद नहीं सकते, जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने कह दिया है कि उनको फ्री वैक्सीन अवेलेबल कराई जाएगी। कार्यक्रम में हम अपना अंतिम सवाल लेते हैं। पटियाला से रोमा अपने सवाल के साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, सर। क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, बताइए। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर न्यू ईयर की। भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं शाही शहर पटियाला से बात कर रही हूँ, रोमा जी। बताइए मैम। मेरा सवाल है कि व्हाट इज साइटोकाइन स्टॉर्म सर? बिल्कुल, ये बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। साइटोकाइन स्टॉर्म, जैसे कि हमारे शरीर में कुछ इस तरह के साइटोकाइंस कहते हैं हम, जो कि एक सेल दूसरे सेल से जब बातें करता है तो जैसे कि वो सेल एक दूसरे के ऊपर एक केमिकल रिलीज करता है, तो उसको हम साइटोकाइन कहते हैं, जो कि नॉर्मल है, बट जब ये स्टॉर्म की तरह बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड में बनने लग जाए, जैसे कि हमारे यहाँ इस डिजीज में एक IL-6 कहते हैं, ये साइटोकाइन होता है, ये बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह TNF-alpha और बहुत सारे मार्कर्स और साइटोकाइंस हैं, ये एक दूसरे सेल को इन्फॉर्म करने के लिए, ये नॉर्मली जैसे आप 10 यूनिट्स रिलीज करते हैं, ये 1000 में आने लग जाता है। तो जब 1000 में आने लग जाता है तो बॉडी बहुत ही अपने ही सेल्स के अगेंस्ट ओवर रिएक्ट करती है, तो इस कंडीशन को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि जो आपके ही सेल्स हैं, जैसे आपके ही लंग्स के अगेंस्ट ये साइटोकाइन एक्ट करने लग जाते हैं, इनको लगता है कि बहुत सारे वायरस या बहुत सारे फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं वो अटैक कर रहे हैं, तो वो एक वायरस की जगह वो बहुत सारों के अगेंस्ट जितने साइटोकाइन बनाना है वो बनाता है, और वो इन्फ्लेमेशन से बॉडी को हार्म होता है। तो उसके लिए हमें स्टेरॉइड या ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन देनी पड़ती है, जिससे कि साइटोकाइन स्टॉर्म को कंट्रोल किया जाए। डॉक्टर साहब, अब कोरोना का टीका बिल्कुल अब हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है, अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, बहुत संक्षेप में। संक्षेप में मैं यही कहूंगा कि अभी भी हमें बिल्कुल ही अपने एक साल की तरह जो हमने 2020 में बिल्कुल कंट्रोल में निकाला है, हमें कुछ महीने 6 महीने 9 महीने और इसी तरह से पूरी मेहनत करनी है, और 2 गज की दूरी, हैंड हाइजीन, मास्क और भीड़भाड़ जगह को अवॉइड करें, और प्रे करें कि ये वैक्सीन सबको टाइम पे मिल जाए और हम इस महामारी से निजात पा पाए। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में अपने सभी सवालों का, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए और आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।
कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर घनश्याम पांगती। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSTTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट।